जी, टुडे द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन इज डिस्टिंग्विशेबल फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स. डिस्टिंग्विशेबल फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग योर कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट. रिमेंबर जी, लेट्स से हमारे पास कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट टू है और कंपोनेंट थ्री है. इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, देन देयर यू कैन से दैट I am going to only the substitute the models, right? There is a comma, C to comma. So I am going only to substitute this one, this module. And if I am going to talk about extensibility, agar main baat karun sirf aur sirf extensibility ki, to yahan pe extension hogi components ki, jo ki aap de sakte hain arrow sign ke zariye. Component 1, component 2, component 3, and there you have the extension of these particular components. And ab aapke paas C4 bhi aa chuka hai yahan pe. And if I'm going to talk about the decomposability of these in the CBD, so C1, C2 or C3, इनको आप decompose कर रहे हैं, इनकी उनकी composition different कर रहे हैं. पहले C2 को लेके आ रहे हैं, फिर C3 आगे चला गया, फिर C4 आ गया है, और एक नया component आपके सामने आ गया जो आपके composing में आ गया. अगर आप यहाँ पे देखें substitutability में, यहाँ पे specification आती है in this section. But if you are going to talk about the extensibility, there you have extensible architecture of these components. And if you talk about decomposability, I need to mention that there you have generic components and there you have the flexible architecture in your compositions. So these are the three different distinguishable flexibility requirements regarding your component based development. So my question is, at what stage is flexibility needed? So can क्या मैं आंसर होगा मेरा, डिजाइन, कंपाइल और रन टाइम, ये वो तीन जगह हैं जहाँ पे मुझे फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है. किस चीज की डिस्टिंग्विशेबल फ्लेक्सिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे मेरे पास होंगी, जहाँ पे मैं इन फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. जी, लेट्स मूव फर्दर. मॉड्युलरिटी इन डिफरेंट फेजेस, दिस इज द ओल्ड डायग्राम बाय बेल्डविन एंड क्लार्क. So let me discuss modularity in different phases. Modularity in design, modularity in your production, and modularity in use. It means in execution. Modular in design. Modern computers mein aayenge aapke, jis tarah electric furniture, not modular furniture, recipes and a cookbook, ye aapke modular design mein aate hain. Modularity agar main production mein baat karun, to intent and process ki baat karunga production mein. Production mein hardware aur software development aa jayegi usme. ठीक है, not a cookbook, ये प्रोडक्शन में नहीं आती हैं चीज़ें इसमें. ठीक है, मॉड्युलरिटी डिजाइन डिफरेंट फेजेस में. और अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो इसमें एक एग्जांपल में मेरे पास आ रहे हैं सिंपल मॉड्युलर फर्नीचर, बेडिंग, सूट्स एंड टाइज, रेसिपीज एंड अ कुकबुक. यहाँ पे भी यूजबिलिटी में मॉड्युलरिटी डिजाइन आपके पास अवेलेबल आ सकते हैं. मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपके कॉमन लाइफ से, इसको मैं आगे एक्सपेंड करूँगा आपके CBD के लिए. जी, कंपोनेंट मॉडल्स के हवाले से मैं बात करूंगा, इसी चीज को लेके आगे चलूंगा. रिमेम्बर, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इंटरफेसेस जो हैं वो आपका टिपिकल रोल अदा करते हैं, मच लाइक द सेम वे जिस तरह आपका मिडल वेयर है वो आपकी कम्युनिकेशन करवा रहा है थ्रू योर डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो आपके रियूजेबल कंपोनेंट्स हैं और जो आपके न्यूली डेवलप्ड कंपोनेंट्स हैं. सो इसी तरह जो आपके इंटरफेसेस हैं वो आप CBSE में, interfaces are central to your CBSE. Standardization to avoid market segmentation. ये मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं. मैं दो तरह के standards हमारे पास available होंगे, और horizontal and vertical. Horizontal standards में हमारे पास interfaces कौन-कौन से आ जाते हैं, जिसमें horizontal standard में आपका internet है, आपके operating systems और UIs हैं, आपके user interfaces, जो normal आप जो है GUI interfaces आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात की जा रही है. horizontal standard आते हैं ये आपको CBSE. CBSE में वर्टिकल सेंटर आप दिखाएंगे, आपके ERP सॉल्यूशन और ट्री बेस्ड और आपके कंट्रोल बेस्ड जो सॉल्यूशंस हैं इंटरफेस में आपके वर्टिकल स्टैंडर्ड में आते हैं. तो ये वर्टिकल स्टैंडर्ड्स ये लाइक कर रहे हैं यहाँ पे, और हॉरिजॉन्टल स्टैंडर्ड आपका कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट में यहाँ पे लाइक कर रहा है. एग्जाम्पल मैंने कोट किए हैं. इसके अलावा इंटरफेसेस डिस्क्राइब व्हाट अ कंपोनेंट, इंटरफेसेस का क्या रोल होगा, क्या डिस्क्राइब करेगा, डेफिनेटली डिस्क्राइब दे कैंपेन में ऑफर प्रोवाइड्स इंटरफेस The needs required interface. Need में क्या होगा? It means कि component को, it
means ki us component ko interface ki zarurat hai. Offer ka matlab you are going to provide the interface, you are offering interface, you are providing interface, and you need interface means you require interface, aapko interface ki zarurat hai. इसलिए किसी ना किसी हवाले से प्रोवाइड हवाले से या रिक्वायर हवाले से इंटरफेस आपस में पार्ट होते हैं कंपोनेंट बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में. ठीक है, तो कंपोनेंट के कम्युनिकेशन के इंटरफेसेस का सारा आपको जरूर लेना पड़ेगा. तो इंटरफेसेस शुड बी फर्स्ट क्लास सिटीजंस. यस, जस्ट लाइक जिस तरह आप फर्स्ट क्लास बीए स्टूडेंट्स को डील करते हैं. दे मे बी फ्री कॉम्बिनेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरफेसेस. हाँ, आप ये भी कर सकते हैं जब आप इम्प्लीमेंटेशन पर जा रहे हैं एसोसिएशन के बाद उन कॉम्पोनेंट्स की, तो आप ये फ्री कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन और इंटरफेसेस का. एंड योर कॉम्पोनेंट्स कैन हैव मल्टीपल इंटरफेसेस. एक कॉम्पोनेंट या डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, ये जरूरी नहीं कि उनके पास हर एक पास सिंगल इंटरफेस होगा. योर कॉम्पोनेंट्स कैन हैव डिफरेंट और मल्टीपल इंटरफेसेस एज वेल. इसीलिए यहाँ पे मेंशन है कॉम्पोनेंट्स कैन हैव मल्टीपल इंटरफेसेस एंड दैट कॉरेस्पॉन्ड्स to different types of access points या corresponding to different access points. ठीक है, तो correspond करते हैं different types of access points के लिए. आप different access points से multiple views के लिए, आप multiple interfaces का सारा ले सकते हैं different components के लिए. So components की definition मैं बार बार आपको बता चुका हूँ. तो एक definition जिसको मैं component जिसको quote करना बहुत ज़रूरी है, a reusable software component. Component है तो reusable software component क्या है? A reusable software component is a logically cohesive, इसको हम कहते हैं cohesive. ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा या loosely coupled भी हो सकता है, आपस में bind भी हो सकता है या loosely coupled भी हो सकता है. Module that denotes a single abstraction, जो सिर्फ एक single abstraction को जाहिर करेगा. Remember, reusable software component क्या होगा? एक logically cohesive या loosely coupled module होगा. फर्स्ट थिंग जो कि डिनोट करेगा, जो कि डिस्क्राइब करेगा एक ओनली एक सिंगल एब्स्ट्रैक्शन को, वो आपका रियूजेबल कंपोनेंट होगा. ठीक है, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आपको बयान कर सकता हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको. तो ये मैं थोड़े से रिफ्लेक्ट आपको डिस्क्राइब कर दूँ. रिफ्लेक्ट ऑन डिफरेंसेस बिटवीन सिविल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑन द वन हैंड एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड. ये डिफरेंसेस आएंगे यहाँ पे इस्तेमाल के हवाले से. हमारे सिविल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जिस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं आप इसको रिकग्नाइज करते हैं, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी आपका यहाँ पे क्रॉस कटिंग कॉर्नर्स के अंदर आने है. अच्छा, मजीद मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कि कंपोनेंट क्या है. इट इज यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोडक्शन पोजिशन डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस रिप्लेसमेंट रीयूज कंपोजिशन. सारी की सारी यूनिट में इसमें शामिल होती हैं चीज़ें. एंड package of cohesive services wo kaun kaun si that encapsulates design decisions that implicit dependencies cohesive or single abstraction ko show karta hai. ek generic independent application module ke taur pe samne aata hai jo ki configurable hota hai, jisko aap configure bhi kar sakte hain, jiske aap editing kar sakte hain. aur ek loosely coupled architecture hai isme standardized interfaces mein jo ki self contained hota hai. iski properties depend karti hain jo kis tarah istemal ho rahe hain और इसकी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव होती हैं इनकी. और ये कॉन्टेक्स्ट होता है आपका सिस्टम का, ये सिस्टम प्रॉपर्टीज होती है जो कि स्टैंडर्डाइज्ड इंटरफेस के अंदर आपके आते हैं. जी मैं नेक्स्ट बुक हूँ जी. व्हाट इज इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट? एक इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट क्या होती है? एक इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट होती है एक सॉफ्टवेयर कॉम्पोनेंट, एज यू पीपल नो दैट इज अ यूनिट इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट. क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी एक यूनिट ऑफ इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट होता है, इट वर्क्स फाइन. मैं कहूंगा कि कोई यूनिट डिप्लॉयमेंट है जो कि मेरी मशीन पे बड़ा काम कर रहा है, आप कभी भी उसको पार्शली डिप्लॉय नहीं करते. नेवर पार्शली डिप्लॉयड, नो डिपेंडेंसीज, देर आर नो डिपेंडेंसीज ऑन पीयर कंपोनेंट्स. जो आपके पीयर कंपोनेंट्स हैं उनमें डिपेंडेंसीज नहीं होंगी. इसके अलावा इसकी सम मीनिंगफुल फंक्शनैलिटी by itself components and be large grained. हाँ, अगर आप समझते हैं कि मैंने components हैं इनकी functionality को by itself मैंने large grained करना है. large grained से मुराद में यहाँ पे रहूँगा कि आगे चल के आपने इसको extendable बनाना है और इसकी association आपने different components के साथ बार बार देनी है और इस functionality को अपने बार बार utilize करना है, तो
तो आपको याद रखिएगा, पार्शली डिप्लॉय नहीं करना, आपने इंडिपेंडेंट डिप्लॉयमेंट इसकी देनी है और फुल डिप्लॉयमेंट देनी है, ठीक है। और ये कंपोनेंट्स आप जितने भी हो, दे शुड बी डिप्लॉयमेंट फ्रेंडली, दे मस्ट बी डिप्लॉयड, जो आप डिप्लॉयमेंट इसकी करनी है, दे मस्ट बी यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है जी। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। तो ये जाते हुए डेफिनेशन एक और देखते हैं, reusable software component is logical cohesive, इसलिए मैं आपको कह रहा था loosely coupled module होता है जो कि single abstraction देता है जी। तो यहाँ तक ही सिर्फ मैं इस बात को रखूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ चीज़ें मज़ीद डिस्कस करेंगे। प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर आपका चैनल पे मौजूद है जी, उसको भी प्लीज़ आप देखिएगा। एंड इफ़ यू पीपल लाइक दिस, सो प्लीज़ आपने इसको ज़रूर जो है ना शेयर करना है, जो है